तुतड़ा क्या हो? लिमिटेशन कमीशन मुर्दाबाद। आवाज दो, कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में बनी है और बीजेपी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से इसका कोई लेना देना है, ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया गया है, लोगों की जो अपेक्षाएं थी उनको नज़रअंदाज किया गया है, रूरल एरियाज़ को नज़रअंदाज किया गया है, जो गाँव में और दूरदराज के इलाका जाते जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ज़रूरत थी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं दी गई हैं। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट, ये किस किस्म की डिलिमिटेशन आपने की है? डिलिमिटेशन का मकसद ये है कि वो इलाका जात जहाँ मुश्किलें हों, जहाँ सिविक अमेनिटीज़ लोगों को मुहैया ना हों, वहाँ नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएँ ताकि वहाँ नुमाइंदे वहाँ पहुँच सकें और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया हो सकें। लेकिन वो आपका कहीं भी फोकस नज़र नहीं आ रहा है। आपने कॉमनल आधार के ऊपर डिलिमिटेशन की है, आपने सांप्रदायिकता के आधार पर जो है ये सीटों का बंटवारा किया है, जो सरासर गलत है। आपने रजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ शामिल कर दिया, आपने तो जम्मू खित्ते के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और सिर्फ मकसद ये है कि कॉमनल सिचुएशन एक ऐसा लगता है कि आपका मकसद है भारतीय जनता पार्टी वालों का। और जिस तरीके से आपने ये किया है ये सरासर निंदनीय है। रिजर्वेशन के रूल्स को आपने डिफाई किया है डिलिमिटेशन में। रिजर्वेशन इसलिए होती है कि जो एरियाज जहां पहले ओपन रहे हों उनको रिजर्व में कंसिडर किया जाए, जो रिजर्व हैं उनको ओपन किया जाए। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं जो पिछले 27 सालों से रिजर्व थे, उनको फिर से रिजर्व में डाल दिया गया, जिसमें बरमीन आता है, जिसमें डुड्डू आता है, जखेड़ आता है, सिरा आता है, कुलाख आता है, पटनगढ़ आता है। ये इलाका जात जब 1995 में पहली रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की आई उस वक़्त इनको रिजर्व किया गया था। अब 2022 चल रहा है, 27 साल हो गए हैं इनको रिजर्व में, अब दोबारा इनको रिजर्व में डाल दिया, आरसपुरा को फिर से रिजर्व में डाल दिया है। और 27 साल तक रिजर्व रहने के बाद क्या इनका अधिकार नहीं था कि ये भी ओपन में आए? मकसद जो है लॉ जो ये कहता है, लॉ कहता है कि रोटेशन 10 साल के बाद होनी चाहिए, लेकिन 27 सालों के बाद भी आपने इन इलाकों को रिजर्व में डाला हुआ है, जो इन इलाका जात के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी चाहिए थी, जहां मांग थी, लोगों ने मेमोरेंडम दिए थे, पंचैरी के लोगों ने, मोंगरी लांदर के लोगों ने, मजालता के लोगों ने, मगाम के लोगों ने, वहाँ नज़रअंदाज किया गया है। सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी ख़त्म कर दी गई है, तो ये बड़ी अजीब बात लगती है। किस तरीके से आपने डिलिमिटेशन को अंजाम दिया है ये लोगों को गवारा नहीं है, और इसलिए जगह जगह प्रदर्शन इस डिलिमिटेशन के खिलाफ हो रहे हैं। और